ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार रविवार को अकीदत के साथ मनाया जाएगा। ईदगाहों के अलावा मस्जिदों में भी ईद की नमाज होगी। सबसे बड़ी नमाज बेना छापर की बड़ी ईदगाह में सुबह 8:30 पर होगी। बड़ी ईदगाह में तैयारियां जोरों पर हैं। नमाजियों को गर्मी से राहत देने के लिए ईदगाह परिसर में पंखों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नगर निगम ने साफ सफाई के साथ साथ नमाजियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बैठक कर कई तरह के निर्देश दिए हैं और सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था की गई है। कल पूरे देश में अकीदत के साथ बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। शहर में भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त हम लोग बड़ी ईदगाह में खड़े हुए हैं, दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहां पर तैयारियां चल रही हैं। यहां पर जो भी है देख सकते हैं, रंगों रंग का कार्यक्रम चल रहा है। यहां पर साफ सफाई हो रही है, कैमरों की व्यवस्था यहां पर की गई है और यहां पर जो नमाजी आएंगे, हर बार लगभग लाखों की संख्या में यहां पर नमाजी आते हैं और यहां पर नमाज अदा करते हैं। इसके साथ ही कैमरे हैं, उनको नमाजियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो तो उसके लिए यहां पर पंखों की व्यवस्था की गई है। नगर निगम ने भी यहां पर साफ सफाई के साथ पानी की व्यवस्था की है, जिससे कोई गर्मी का जो आलम है वो काफी ज्यादा है तो नमाजियों किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसलिए इस चीज को लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बैठकें करी, उसके बाद कुछ नियम व शर्तें रखी गई, उसके बाद यहां पर नमाज अदा की जाएगी। वीडियो लिस्ट निरुमिशा के साथ अपना शुक्ला जेएमडे न्यूज कान। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।